दोस्तों हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके आई बनने के सपने को मेक और ब्रेक कर सकता है अगर हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस की बात करें वो तो बहुत ज्यादा है पर क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए क्या सोच होनी चाहिए हिस्ट्री को कवर करते हुए वो ज्यादातर बच्चों में मिसिंग होती है जिसकी वजह से हिस्ट्री सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है स्कोर करने के लिए और ज्यादातर बच्चे हिस्ट्री की वजह से यूपीएससी बैरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें मेज में कंपेरेटिवली फिर भी आप आसानी से चीजों को क्लियर कर आउट कर सकते हैं तो ये हम हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सी सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो देखो 100 क्वेश्चंस में से लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास अगर आप पिछले 5 सालों के ट्रेंड की बात करें Which constitutes about one fifth of the paper, आपका सिर्फ हिस्ट्री में से पूछा जाता है और अगर आपने पिछले कुछ सालों के पेपर को एनालाइज किया हो तो आपको पता चलेगा कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है स्पेशली उन टॉपिक्स में में से जो कि कि पहले के टाइम्स कन्वेंशनल नहीं थे जैसे एंड एंड आर्ट कल्चर ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो पहले बच्चे छोड़ के चला जाया करते थे क्योंकि उनको लगता था जो पेपर है वो सिर्फ मॉडर्न में से आएगा पर जिस तरह से यूपीएससी ने अपना ट्रेंड बदला है तो हिस्ट्री को लेके भी आपको जो अपनी सोच है जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो बदलनी पड़ेगी उसके बाद अगर हम मेन्स की बात करें तो यहां पर 250 में से आपके 100 मार्क्स के आसपास लगभग वन थर्ड ऑफ पेपर सिर्फ हिस्ट्री में आएगा एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट सा इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्या आप उस साल इंटरव्यू देंगे या नहीं देंगे पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हिस्ट्री को आपको क्यों अच्छे से करना चाहिए वो जरूरी ये है कि जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं हर एक टॉपिक का कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल पर होगा चाहे आप इंडिया की एजुकेशन ले लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट ले लीजिए एग्रीकल्चर ले लीजिए किस तरह से उसको शुरू किया गया था वो कहां पर आएगा वो आएगा हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर तो अगर आपने पॉलिटी में सोशल इश्यूज में ऐसे में अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये इंटर पक्का से अच्छे से पता होनी चाहिए तभी आप वहां पर अच्छे से स्कोर कर पाएंगे स्पेशली इन द मेन्स पार्ट

कि हिस्ट्री में कितने है। so, so साल हैं। वो हमारे पास इस एंशियंट में आएंगे फिर एक हजार से लेके लगभग सेवनटीन हंड्रेड सी तक कमिंग ऑफ यूरोपियंस तक हमारे पास मडेवल इंडियन हिस्ट्री में आएगा फिर इन दोनों का जो कल्चर का पार्ट है जैसे एंशियंट हिस्ट्री की बात करें फिलोसफीज उसके अलावा स्कूल ऑफ आर्ट क्लासिकल डांसेस वगैरह हमारे कल्चर में आएंगे मिडेवल का कल्चर पार्ट जैसे कि सूफी मूवमेंट भक्ति मूवमेंट एशियंट का जैनिज्म बुद्धिज्म ये सारा कल्चर का पार्ट है जो कि साल दर साल जिसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है और कौन से टॉपिक को करना है कौन से को छोड़ना है किस हिसाब से करना है रट्टा किस तरह से मारेंगे यहाँ पर टीचर का रोल आएगा फिर मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से बहुत सालों तक कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे गए बहुत सालों तक यहीं से बच्चों ने तो कवर करके हिस्ट्री को क्लियर आउट किया है पर अगर आप पिछले तीन सालों के पेपर को उठा के देखेंगे आपको पता लगेगा कि आज के टाइम में मॉडर्न से भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं जिसकी वजह से अब हिस्ट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है देन अगर हम मेन्स परस्पेक्टिव की बात करें ये चारों कॉम्पोनेंट्स तो आएंगे ही पर इसके साथ दो कॉम्पोनेंट्स को और एड कर दिया जाएगा वो कौन से है आफ्टर इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की आजादी के बाद की हमारी हिस्ट्री क्या है एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बात करें सर्टेन इवेंट्स जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन 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 फ्रेंच रशियन वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वॉर ऐसे को आपको तैयार करना है अब जिस तरह से आपने देखा कि बहुत बड़ी हिस्ट्री है हर एक टॉपिक के लिए न्यूमरस सब्जेक्ट हैं एशियन हिस्ट्री की बात करें तो वहां पर आपके पास दो तीन किताबें हर एक टॉपिक के लिए आपके पास दो तीन रेलिमेंट किताबें हो जाएंगी तो बहुत मुश्किल है कि खुद से हिस्ट्री को इफेक्टिवली तैयार करना क्योंकि अगर आप सिर्फ हिस्ट्री को ही तैयार करने लग जाएंगे अच्छे से यूपीएससी परस्पेक्टिव से अच्छे से करेंगे तो आपको लगभग चार से पांच महीने लग जाएंगे और फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स को किस तरह से तैयार करेंगे वहां पर रोल आएगा टीचर का कि किस हिसाब से मैं हिस्ट्री करवाता हूं अपने फाउंडेशनल बैच के अंदर मेरा क्या परस्पेक्टिव रहता है कि किस तरह से सारा काम होगा सो so, सबसे पहले मान लो हमने किसी भी टॉपिक को करना है किसी भी मॉड्यूल uh, में से अगर हम एशियन हिस्ट्री में मान ले अगर हम यहाँ पर वैदिक एज को कवर कर रहे हैं एग्जाम्पल लेते हुए कि हम वैदिक एज को किस तरह से कवर करेंगे तो सबसे पहले हर एक टॉपिक का हम एजेंडा को समझेंगे कि ये टॉपिक क्या है कि किस बारे में है क्यों ये है उसका बैकग्राउंड क्या है ताकि बच्चे को क्लैरिटी हो कि ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है तभी आपको पता लगेगा कि हिस्ट्री एक क्रोनोलॉजी में चलती है एक फ्लो है हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा अगर टीचर ढंग से समझा रहा है उसको पता है क्लैरिटी है चीज़ों को लेके तो आपका एजेंडा पक्का से क्लियर होगा फिर हर एक टॉपिक की जैसे कोई स्टोरी होती है हिस्ट्री में वो समझाई जाएगी फिर हर एक स्टोरी में से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यूपीएससी में पूछी जा सकती है अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी फैक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी मान लो कि कुछ टॉपिक्स हैं जहां पर यूपीएससी ने पहले के सालों में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा है उसका मतलब यह है कि अगर कल को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो रिलेटिवली इजी होगा पर अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको यूपीएससी ने बहुत बार पूछ लिया है उसका मतलब यह है कि अगली बार जब क्वेश्चन आएगा वो काफी ज्यादा टफ आएगा तो प्रायोरिटी वाइज हर एक फैक्ट को बताया जाता है कि ये आपको रटना है ये आपको मिडिल प्रायोरिटी में है ये आप छूट सकते हो या किस तरह से आपकी विजन होनी चाहिए हर एक टॉपिक को लेके तभी आपके जो स्ट्रेटेजी है जो विजन है बहुत ज्यादा क्लियर होगा हिस्ट्री को लेके तो ये इस तरह से हमारा काम रहता है देन पी क्यूज फ्रॉम एवरी टॉपिक मान लीजिए वैदिक एज में से पिछले 20 सालों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि जो आपने टॉपिक कर लिया क्या आप उसमें बहुत ज्यादा निपुण है क्या उसमें सक्षम है कल को अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको आता होगा ताकि आपको साथ में क्लैरिटी होती रहे कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ कि यूपीएससी को क्लियर करना है पीएचडी तो नहीं करनी ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन एंड लास्ट में जो मेरी सबसे आ, मेरे को लगता है कि अच्छी चीज है जो मैं साथ में करता हूं हिस्ट्री के लिए वो है उसमें से मॉरल लेसन देखिये जब भी हम हिस्ट्री को करते हैं जो, जैसे कि कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इट तो वहां पर हिस्ट्री हमारे को एक चीज सिखाती है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी दैट दर आर सम जो कि हमारे को हिस्ट्री में से सीखने को मिलते हैं जो कि अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेंगे अगर आप सीखेंगे एंड जब आप इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे जब आप एग्जामिनर आपको देखेगा कि आपकी सोच बनी हुई है क्योंकि आपने इतनी बड़ी हिस्ट्री पढ़ी है आपने उससे सीखा है क्योंकि जब तक मान लीजिए आप किसी चीज को पढ़ते हैं आप उससे सीखते नहीं है सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सीख लेंगे तो मैं मानता हूं उसका कोई फायदा नहीं है जैसे जैसे आप चीजों को पढ़ते अगर आप उनको अपनी पर्सनैलिटी में एम्बाइब करते जाएंगे तो उतने ही बड़े आप अफसर बनेंगे ये आप नहीं कर सकते कि जिस दिन मैं अफसर बन जाऊंगा तो उस दिन मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा तो मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि जो भी बच्चा मेरे से पढ़ के जा रहा है वो हमेशा एक अच्छा इंसान बन के निकले उसकी जो सोच है वो अच्छी निकले मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं कि यहाँ पर जितना भी यूपीएससी परस्पेक्टिव से आपको काम करवाना है वो मैं आपको करवा के दूंगा पर साथ में आपको मॉरल लेसन सीखने पड़ेंगे मी स्टैंडिंग हेयर ओवर एज अ टीचर मैं आपसे क्या वादा कर सकता हूं वो ये है कि अगर आप मेरे से हिस्ट्री कर रहे हैं तो जितना आपको चीज पता होनी चाहिए जितना आपको यूपीएससी प्रेलेंस परफेक्टिव से पता होनी चाहिए चीजें मैं आपको हरे करवाऊंगा कोई भी बच्चा आप अगर साथ में आपके साथ हिस्ट्री कर रहा है वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उससे आपको ज्यादा ना आता हो आप हमेशा उससे एज के अंदर रहेंगे और अगर मेरे करवाए हुए क्वेश्चन में से उससे बाहर से आ जाए तो भी मैं आराम से कह सकता हूँ कि आप उसको छोड़ आइएगा वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि स्किप करने वाले होंगे क्योंकि हमारे को यूपीएससी के अंदर सारे क्वेश्चन नहीं अटेम करने होते हैं तो तभी मैं आपको समझाता हूं क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या चीज छोड़नी है क्या चीज करनी है तभी आप हिस्ट्री को अच्छे से कर पाएंगे तो यहां पर ही सिर्फ टीचर का काम है कि वो किस तरह से बच्चों को बताएगा कि जिस रास्ते के ऊपर आप चल रहे हो कहां कहां के ऊपर गड्ढे हैं कहां कहां से आपको बच के चलना है और टीचर का बस काम यही होता है क्योंकि उसने वो पूरा जो रास्ता है वो ट्रांसवर्स किया होता है उसको पता है कि इन गड्ढों के अंदर हम गिर सकते हैं अगर इससे बच जाएंगे तो जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा तो ये हमारा

एडवांस बुक जैसे कि उपेंद्र सिंह अब रादर ये, जो बुक्स ये बहुत एडवांस्ड है ये ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर क्योंकि टीचर का धर्म है कि अपने बच्चों को बेस्ट देना और हर एक बच्चा तो जितने भी एडवांस बुक्स हैं वो नहीं पढ़ सकता तो जितने भी रेलिवेंट पॉइंट है मान लीजिए पूरा टॉपिक है वो पचास पेजिस का कोई टॉपिक है उसमें से पांच ऐसे पॉइंट है जो कि आपको एडिशनली पता होने चाहिए ताकि जो बच्चे नॉर्मली तैयारी कर रहे हैं उनसे आपका एक कंपेटेटिव एज बन जाए तो उस वजह से ये मेरा काम रहेगा कि मैं आपको हर एक एडवांस मुक्त में से जितने ज्यादा पॉइंट्स हैं जो कि यूपीएससी के हिसाब से जरूरी है सिर्फ वो बताता ताकि आपका बाकी चीजों में से टाइम बच जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन आएगी वो आपको पता होगा एंड देन करंट अफेयर्स क्योंकि आप देखोगे कि साल दर साल अब हिस्ट्री के भी करंट अफेयर्स आते जा रहे हैं तो उसी वजह से जो उसका स्टैटिक पार्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है

प्राइस का जो है वो पता लग जाएगी पर यहाँ पर भी सतारा हजार के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे जो कि है कवर टेन तो आपको एडिशनली टेन परसेंट डिस्काउंट यूज होगा के डब्ल्यू एल टेन तो उससे आपका जो तो थोड़ा डिस्काउंट है वो और बढ़ जाएगा और मेरा थोड़ा फायदा हो जाएगा ठीक है तो ये सारी बात हुई हिस्ट्री के बारे में इन केस आप हिस्ट्री मेरे से नहीं भी कर रहे तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस तरह से हिस्ट्री की जानी चाहिए तो प्लीज उसी हिसाब से अगर आप करोगे तो आपका काफी ज्यादा फायदा होगा एंड अल्टीमेटली यूपीएससी का जो सपना है वो आप पूरा कर सकेंगे इसमें क्या क्या हमारे फीचर्स रहते हैं इस आत्मनिर्भर कोर्स के अंदर सो so, टोटल आपको प्रीलिम्स के रिलेटेड जितने भी कंटेंट क्लासेस है वो दिए जाएंगे अगर हम मेन्स कंटेंट की बात करें वो आपको प्रॉपर लेक्चर्स डिलीवर होंगे हर हफ्ते या फिर हर पंद्रह दिनों के बाद बाई वीक बाई वीकली आपके डाउट रिजॉल्विंग सेशंस होंगे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक कर लिया तो उसमें से हम नेचुरल है कि बच्चों के डाउट्स रहते हैं पर बाकी जगह के ऊपर उन डाउट्स को रिजॉल्व नहीं कर दिया जाता तो यहाँ पर हमारा जो स्पेशल फोकस रहता है वो है डाउट रिजॉल्विंग सेशन के ऊपर देन वी हैव मेंटरशिप सेशन कि किस हिसाब से क्या आप सही रास्ते के ऊपर चल रहे हैं क्या क्या आपको चीजों के बारे में ध्यान रखना है उसकी कॉन्स्टेंट री की जाती है कि यहाँ आप जो काम है वो सही से कर रहे हैं नहीं फिर अगर आप मेंस में जाना है मेंस में एक्सेल करना है तो वहां पर आंसर राइटिंग होगी और उसके लिए भी स्पेसिफिक आपके पास लॉस का पूरा मॉड्यूल है आपने कोई टॉपिक कर लिया उसमें से ये आपके जो असाइनमेंट है वो है ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके देन आर्ट ऑफ सॉल्विंग द प्रीलिम्स पेपर पीवाईक्यू डिस्कशन वो हम सारा कुछ बात कर सकते हैं कर चुके हैं एंड देन फाउंडेशन अभी कुछ सालों के के ट्रेंड हिसाब के बात करें तो सी सेट जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है हमारे यूपीएससी के अंदर बहुत सारे बच्चे जीएस को तो क्लियर कर लेते हैं पर सी सेट के अंदर मार खा जाते हैं तो उसी के चलते सी सेट को इस पूरे कोर्स के अंदर इम्बाइव किया गया है आयुष सर के द्वारा करवाया जाता है काफी अच्छी तरह से वो टीच करते हैं अगर आप सी सेट की क्लासेस लगाएंगे तो आपको जाद काफी ज्यादा फायदा होगा एंड देन टेस्ट सीरीज इस पूरे आत्मनिर्भर कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है तो आपको काफी ज्यादा इससे फायदा मिलेगा हर एक चीज का इसमें ध्यान रखा गया है अगर आप कल को इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ऑल जो कॉस्टिंग है वो काफी ज्यादा कम है पर जो आपको इफेक्टिवनेस या फिर क्वालिटी मिलेगी वो टॉप नॉच है अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ कंपेयर करें सो टोटल कॉस्टिंग इज अबाउट सेवेंटीन हंड्रेड और अगर आप कोड यूज करेंगे कवल टेन तो टेन परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेटिव लेक्चर मैं आशा करता हूँ कि आपको हर एक चीज के बारे में अंदाजा हो गया होगा कि किस हिसाब से ये पूरा कोर्स है किस हिसाब से हम करेंगे उसके बाद आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं अगर आप 2024 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सो so ये मैं यहाँ पर आपसे अलविदा लेना चाहूँगा थैंक यू सो वेरी मच